नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के मेरठ रोड स्थित सदर तहसील में मंगलवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार मनोज सिंह ने समस्या को सुना। प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को शासन के दिशा निर्देश पर प्रत्येक तहसील में समाधान दिवस आयोजित किया जाता है। इस बार शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते तहसीलों में समाधान दिवस का आयोजन नहीं किया गया था, जिसके चलते शासन के निर्देशानुसार मंगलवार को तहसीलों में समाधान दिवस आयोजित किया गया। सदर तहसील में नायब तहसीलदार मनोज सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों ने मौजूद रहकर क्षेत्रवासियों की समस्या को सुनकर उनका निस्तारण किया। शनिवार के दिन समाधान दिवस होता है, लेकिन शासन की व्यवस्था की वजह से आज मंगलवार को समाधान दिवस हुआ। पब्लिक की पैमाइश को लेकर, किसी के मकान खाली को लेकर, किसी अवैध कब्जाओं को लेकर अन्य अन्य समस्याएं आती हैं, जिनको संबंधित विभाग द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और समस्या के समाधान हेतु कार्य किया जा रहा है। लगभग 20 समस्या अब तक सुन ली गई हैं। सभी तरीके की समस्याएं, पैमाइश संबंधित भी है, मकान खाली करने संबंधित भी है, और नाली चक्रोड़ से संबंधित भी है, और अन्य विभागों द्वारा भी संबंधित है। कोई पेंशन को लेकर निस्तारण किया जा रहा है और आश्वासन दिया जा रहा है सभी को, और संबंधित विभाग द्वारा भी आश्वासन दिया जा रहा है। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।